हेलो एवरीवन वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन स्वागत है सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों डिफेंस गुरुजी पर वेलकम बैक बहुत सारा ना आप लोगों का मैसेज मुझे रिसीव हो रहा था और फाइनली अब आप लोगों के लिए स्टूडियो वगैरह सब कुछ अरेंज हो गया है तो आप लोगों को दिन भर क्लास मिलेंगी और जल्दी मेरा एक बैच आ रहा है उस बैच की डिटेल मैं इसमें दूंगा दूसरी बात वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक हैं सबको जाके फॉलो कर लेना अदरवाइज आपको अपडेट नहीं मिलेंगे पीडीएफ वगैरह नहीं मिलेंगी तीसरी चीज दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक करना इस वीडियो को ना भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर जरूर करना दूसरी बात कमेंट बॉक्स में अपने जितने भी डाउट है मेडिकल हो चाहे टेस्ट सीरीज हो चाहे कोई भी आपका डाउट हो टू एग्जाम प्लीज पूछना जरूर है तो शुरू करते हैं कहानी को आज ठीक है एफकेट इसमें सॉरी एयरफोर्स में यहां पर हम चर्चा करेंगे एयरफोर्स की जिसमें 45 प्लस मार्क्स हम लोग कैसे ले सकते हैं आप लोग देख रहे हैं कि वाई ग्रुप का जो कट ऑफ है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है हर एक में में आप देख में देख लीजिए लीजिए एक्स ग्रुप डिपेंड अपॉन द पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा है अब आप लोगों का एग्जाम डेट आई गया आप लोग जानते हैं दैट इज इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर कब बचे आप लोगों का आप लोगों का जो एग्जाम है वो होगा वो फर्स्ट वीक होगा नवंबर के अंदर ठीक है मतलब वन टू लेके सेवन नवंबर तक के बीच में क्या है आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट होगा तो उसी के बारे में ये वाई ग्रुप के जितने भी एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत फैंटेस्टिक न्यूज है पूरा देखते रहना पैंतालीस दिसंबर का जुगाड़ मैं तुमको बताऊंगा दो महीने का टाइम अपने पास लगो बचा हुआ है हम लोग इसको नेल कर देंगे और आपका जो यूनिफॉर्म का सपना है उसको हम पूरा करेंगे मेरे बारे में जान लीजिए एफ कैट छह बार क्रैक किया सात बार सी डी एस है एक बार एन डी ए है और अभी तक मेरे पढ़ाए हुए एक हजार बच्चे प्लस विद प्रूफ के साथ में क्या है वो लोग इंडियन एयरफोर्स में सर्विंग कर रहे हैं ध्यान रखना लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूं ठीक है यहां पर मैं पांच हजार भी लिख सकता लेकिन नहीं रियलिटी जो वो बताना चाहिए वन थाउजेंड प्लस ऐसे एस्पिरेंट है जो अभी यहां पर अभी एयरफोर्स के अंदर क्या है सर्विंग कर रहे हैं हर साल जब भी बैच स्टार्ट होता है अकेडमी के अंदर तो फिफ्टी बच्चे हर बैच के साथ मेरे वहां पर जाते ही जाते मोर देन दैट ठीक है अगर फेज टू काउंट कर लूंगा तो और भी ज्यादा हो जाएंगे अब सुनिए जरा कंटेंट क्या क्या है पेपर में 45 प्लस नंबर लेने तो हैं लेकिन क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसके लिए क्या क्या देखना पड़ेगा क्या चीज छोड़नी पड़ेगी क्या चीज पढ़नी पड़ेगी और तीसरा सबसे मेन क्वेश्चन है कैसे पढ़ना है बच्चों अब सबसे मेन बात है भाई चार सेक्शन में इसको डिवाइड किया मैंने जनरल अवेयरनेस है रीजनिंग है मैथ है ये सारी चीजें हैं ठीक है मतलब पहला पार्ट रीजनिंग और मैथ इसको हम बोलते हैं आमतौर तो पर रागा आप लोग जानते होंगे जिसके एग्जाम में थर्टी क्वेश्चन आते हैं ठीक है मैथ के मान लेते हैं बच्चे सेवन टू एट क्वेश्चन सेम यहां पर भी सेवन टू एट क्वेश्चन और सेम यहां पर भी क्या है बच्चे सेवन टू एट मतलब प्लस माइनस टू का रेशियो हम लेके चलते हैं वैसे आप सब लोग जानते हैं रागा के सवाल कई बार ज्यादा आ जाते हैं क्या बच्चे यहां पर रागा के सवाल यहां पर क्या है आमतौर पर थोड़े से ज्यादा आते हैं ध्यान रखना ठीक है रीजनिंग के सवाल मैथ के कौन कौन से टॉपिक रहेंगे जनरल अवेयरनेस कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है क्या क्या छोड़ना है वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेंगी ठीक है तो प्लीज अपने डाउट जरूर पूछते रहना ठीक है तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे भाई जनरल नॉलेज का ये सेक्शन ठीक है और करंट अफेयर भी कुछ कुछ सवाल यहां से भी क्या है करंट अफेयर से भी आप लोगों से पूछ लेता है अब सबसे पहले आता है बच्चे यहां पर जर्नल साइंस है सिविक्स है ज्योग्राफी है करंट इवेंट्स है हिस्ट्री है और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन जानते हैं एक से दो सवाल कंप्यूटर से एक सवाल तो मान के चलिए आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा ठीक है आमतौर पर यही ट्रेंड देखने को मिलता है कि जो बच्चे एग्जाम दे के आते हैं कि एक सवाल आता है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस या फिर कोई शॉर्टकट पूछ लेगा बहुत बेसिक सवाल होगा सारा का सारा इसी बैच कोर्स में आपको मैं करवाऊंगा ठीक है क्लासेज आपको मिलेंगी तो प्लीज जितने भी आपके वाई ग्रुप एस्पिरेंट की जो तैयारी करने वाले हैं उन सबको बता दो कि यूट्यूब पर इस चैनल पर

वो यहाँ पर आपको सेक्शन वाइज अलग अलग मिलेगा ये भी अवेलेबल है आप मैथ का चाहे तो मैथ का ले सकते हैं ठीक है रीजनिंग चाहे तो रीजनिंग का ले लीजिए सबके हाथों से लिखे हुए नोट्स कंप्लीट क्या बच्चे कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स है जो तो मेरे क्लास नोट्स हैं ऑफलाइन के टाइम के वो आपको एज इट इज एग्जाम में क्या है आपको हेल्प करेगा ना सिर्फ हेल्प करेगा बल्कि आप बहुत अच्छा यहाँ पर यहाँ पर क्या बच्चे स्कोर भी कर पाएंगे ठीक है सेम ऐसे ही जीएस लिखा हुआ सेम ऐसे ही रीजनिंग लिखा हुआ बस नोट्स को लो क्लासेस लो लगातार पढ़ना शुरू करो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा भाई बच्चे पॉलिटी की बात करते हैं सिविक्स में जैसे मान लो राष्ट्रपति कैसे चुनते हैं ना प्रधानमंत्री कैसे हैं राष्ट्रपति की पावर क्या क्या है कहाँ कहाँ से हमने संविधान लिया है बहुत सारे देशों को सव... बहुत सारे देशों का संविधान पढ़ने के बाद क्या हम लोगों ने अपना संविधान तैयार किया तो बोलेगा फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए हैं ठीक है फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली है तो ये सारे सवाल है रशिया से क्या लिया है यूएसए से क्या लिया है अमेरिका से क्या क्या लिया है ब्रिटेन से क्या लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया है बाइक बाई कैमिज्म से लिया द्वी सदनवाद कहाँ से लिया तो ये सारे बहुत सारे सवाल होते हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे बेटा एक और आपको मैं शोर्डर बता रहा हूं जितने हो सके उतने क्वेश्चन जीएस के प्रैक्टिस करो भाई क्या है बच्चे जितने हो सके उतने क्वेश्चन जीएस के प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस यूट्यूब पर लाइव आकर आप लोगों से पर क्या है हम लोग इंटरेक्शन करेंगे प्रैक्टिस रखेंगे आप लोगों के साथ में किताब कोई भी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं बहुत सारे लोग अरियंत भागेंगे कोई यहां पर आपको एस के किताब रेफर करेगा मैं बोलता हूं कुछ भी नहीं दो महीने तुम मुझे रेफर कर लो मैं तुम्हारा एग्जाम निकलवा दूंगा ठीक है दो महीने का टाइम तुमसे मांगा है इस बीच में हम लोग एग्जाम के लिए करेंगे प्रैक्टिस सेशन सब कुछ आपके लिए अवेलेबल होगा फ्री क्लासेस के अवेलेबल होंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑन टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना वहां पर सब कुछ आपको मिल जाएगा ज्योग्राफी बच्चे रिवर सिस्टम से सवाल आता है लेक से सवाल आता है हिमालय से सवाल पूछा जाता है और स्टैटिक वन लाइनर क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से आते हैं ना तो उसके लिए क्या मैंने बारी-बारी से क्या टॉपिक वाइज क्या एक-एक पॉइंट में लिख रखा है अगर डेली आप उनको देखोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा आप वैसे एग्जाम क्लियर कर लोगे और उसके नोट्स मैंने आपको दिखाई हैं सब कुछ अवेलेबल है उनके अंदर मान लो जोग्राफी का टॉपिक पढ़ा है मैंने रिवर सिस्टम नदियों के बारे में लिखा हुआ है ठीक है लेक्स के बारे में लिखा हुआ पहाड़ों के बारे में लिखा हुआ और भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? लिखे हुए ताकि आपको आप इस एग्जाम को बहुत ईजिली क्लियर कर सको वन बाय वन क्या है एक ही चीज मैंने बहुत अच्छे तरह से टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड करके बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है करंट इवेंट है आप तुमको करंट इवेंट में कितने महीने का पढ़े कुछ नहीं पढ़ना भाई धना जोग्राफी से सवाल एक से दो पक्का आता है पॉलिटिक्स एक सवाल पक्का आता है जनरल साइंस से एक सवाल पक्का आता है भाई एक सवाल कंप्यूटर ऑपरेशन से पक्का आता है हिस्ट्री से बच्चे कई बार दो से तीन सवाल आ सकते हैं करंट अफेयर से भी क्या बच्चे से दो सवाल कई बार तो क्या होता है किसी भी शिफ्ट में बहुत सारी शिफ्टें चलेंगे तो उसमें क्या किसी शिफ्ट में एक भी सवाल है किसी शिफ्ट में क्या एक सवाल मिल जाएगा आपको तो आपके लक के ऊपर बेस है ना लेकिन फिर भी हम लोग लक के ऊपर ना बेसोगे हम मेहनत के ऊपर बेस रहेंगे वहां पर हम लोग इसको पढ़ लेंगे ध्यान से ताकि वो नंबर भी ना जाए बेटा एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है देखो सब कुछ क्लियर पेपर वन पेपर आपका क्लियर हो गया आपका फेस टू होगा मेडिकल क्लियर होगा और जब आप मेरिट में आउट होते ना सबसे गंदा फीलिंग आता है बच्चे सबसे यहां पर क्या है सबसे खराब फीलिंग यहां पर आपको आता है ध्यान रखना ठीक है हिस्ट्री में देखो महात्मा गांधी को जरूर पढ़ना है भाई मध्यकालीन भारत हो गया जैसे उसमें दिल्ली सल्तनत हो होगी बेटा मुगल काल हो गया जहांगीर अकबर तो इन सब का क्या बच्चे वन वन लाइन का क्वेश्चन मैंने दोनों मीडियम में लिख रखा है हिंदी चाहो हिंदी ले लेना इंग्लिश चाहो इंग्लिश लेना बहुत कम कोस्ट के अंदर क्या है मैंने उन चीजों को यहां पर आपके लिए मैनेज किया है तो जितना हो सके सपोर्ट करना है कोऑपरेट करना है बेटा क्योंकि आप सब लोगों के लिए है मेरे लिए इसमें कुछ भी नहीं है और फ्री क्लास भी अवेलेबल है ये नहीं कि गुरु चार्ज कर रहे हैं गुरु कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं ध्यान रखना फ्री क्लास पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर कोई पैसा चार्ज नहीं होगा ध्यान रखना ये बात आप लोगों के माइंड में बैठ जानी चाहिए

अब इसमें कई लोगों को बड़ी दिक्कत होती है अभी मेरा एक बैच आ रहा है दस सितंबर से क्या कब से आ रहा बच्चे एक बैच मेरा दस सितंबर से आ रहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है वहां पे इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लोगे आपको ये लिंक मिल जाएगा आज रात के आज रात के बाद क्या है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा उसको जाके ज्वाइन कर लेना ठीक है और वहां पर मेरा नाम एज इट इज लिख देना ताकि आपको टेन का ऑफ मिल जाए टेन ऑफ कैसे मिलेगा अन के ऊपर ठीक है क्योंकि ये गुरु का नहीं है ये गुरु का नहीं है बच्चे ये ठीक है ना ये मैं यहाँ पार्ट टाइम पढ़ाता हूँ विदाउट एनी लेकिन वो कंपनी आपसे चार्ज करेगी मैं ना तो कंपनी से कुछ ले रहा हूँ ना ही मैं आप लोगों से कुछ ले रहा हूँ ये सिर्फ क्या है कि आप लोगों के लिए फ्री सर्विस है कंपनी सिर्फ अपने सर्वर का आप लोगों से बहुत माइन्यूट चार्ज करेगी दो महीने का या तीन महीने का सब्सक्रिप्शन शायद मेरे हिसाब से कुछ तीन हजार रुपये में आपको मिल जाएगा तीन हजार छत्तीसौ में क्या आपको मिल जाएगा तो उसके लिए बेनिफिट रहेगा आपके लिए एवरेज से सवाल आता है एच से एल से सवाल आता है रेशो प्रॉफिट लॉस ये सवाल टाइम्स डिस्टेंस पक्का सवाल आएगा परसेंटेज से बचे सबसे क्या है ये एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर क्या है वेटेज रहता है हर एक पार्ट से यहां पर क्या बच्चे एक एक क्वेश्चन का वेटेज रहता है अब बोलेंगे लोग सर किताब कौन सी फॉलो करें कोई आर एस अग्रवाल लेगा तो कोई राकेश यादव उठा के फिर राव यादव की एस एस सी या किताब है ऐसे काम नहीं चलेगा भाई बहुत टारगेट ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा यहां पर ध्यान रखना इसके अंदर हमेशा क्लास नोट्स काम आएंगे ध्यान रखना हमेशा क्या काम आएंगे भाई हमेशा यहां पर ध्यान रखना क्लास नोट्स काम आएंगे कोई किताब ऐसा परफेक्ट नहीं है जो आपको एज इट इज वाई ग्रुप दे दे हाँ टेस्ट सीरीज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका लेवल बढ़ेगा आप लोग आगे चलेंगे अब सिंप्लीफिकेशन बेटा एक सवाल आता है फ्रैक्शन से आता है बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल से सवाल रेक्टेंगल ही देखो यहाँ पर क्या है सरफेस एरिया है सिंपल फॉर्मूले याद करो सवाल बनाओ बारहवीं वाला बच्चा क्या होता है ना डर जाता है कि पता नहीं क्या सवाल पूछेगा एरिया में जबकि मैं बोलता हूं सारे के सारे सवाल फॉर्मुला बेस होते हैं बस आपको टाइम मैनेज करना भाई टाइम मैनेज तीस थर्टी क्वेश्चन आपको रागा के करने हैं बस ध्यान रखना जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसी पे क्या है है बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में पास नहीं हो सकते पहले बता रहा हूं कितना अच्छा तुम्हारा आईक्यू लेवल हो आईक्यू लेवल अच्छा होने से काम नहीं चलेगा प्रैक्टिस करने से क्या भाई काम चलेगा मेहनत करने से यहां पर क्या काम चलेगा प्रैक्टिस जो जितना करेगा उसको उतने ज्यादा के यहां पर मार्क्स मिलेंगे ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री से सवाल आता बच्चे, है बच्चे ठीक है सरफे से सवाल आता है वही सिलेंडर क्यूब वॉल्यूम यही सवाल है सारे के सारे क्या बच्चे पिटे हुए सवाल है सिर्फ क्या है प्रैक्टिस नहीं करते हैं लोग बच्चा हमेशा किसी ना किसी कैप्सूल की खोज में रहता है कि बेटा ये पढ़ लो अरे भाई ऐसे ऐसे लोग पढ़ा रहे जिन्होंने आज तक कभी एयरफोर्स का एग्जाम नहीं दिया वो लोग भी टीचर बन रहे हैं और आप लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं बताओ समस्या तो ये तब तुम लोग ज्यादा फेल होते हो पहले किसी से पढ़ो टीचर का बैकग्राउंड जानो तुम यार कि क्या उसने क्या क्लियर किया या नहीं खुद कभी एग्जाम में बैठा है नहीं बैठा तो वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशियल बच्चों वो बहुत जरूरी है आपके लिए Isn't it? अब आगे चलते हैं रीजनिंग मैं फिर बोलता हूं कोई किताब नहीं कोई कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस जितना हो सके देखो मार्केट से ना अरियंत का प्रैक्टिस सेट ले लो प्रैक्टिस सेट लो किताब मत लो जितना उसके सवाल बनाओ ठीक है जितने पब्लिकेशन आते हैं मार्केट से जाओ तीन चार पब्लिकेशन का किताब प्रैक्टिस उठा लाओ और धड़ाधड़ बनाना शुरू करो रोज का एक बनाओ यार आप खुद आपको आइडिया हो जाए कि ट्वेंटी क्वेश्चन बच्चे इंग्लिश के आते हैं अब सीधी सी बात है बीस नंबर की इंग्लिश है तो पंद्रह नंबर वहां पर आने चाहिए रागा अगर तीस नंबर की है भाई तो कम से कम पच्चीस यहां पर आपका आना ही आना चाहिए ध्यान रखना मिनिमम तो बच्चे फोर्टी मार्क्स अगर भी नहीं आया तो फिर कैसे काम चलेगा और आप लोग जानते हो पेपर लीक आउट होने बंद हो गए तो आप उस चक्कर में ना पड़े पेपर लीक आउट होने के यहाँ पर बंद हो गए उस चक्कर में आप लोग ना पड़े ठीक है ये घटिया तरीकों में जाओ मत मेहनत करो कुछ ना कुछ अपने आप वैसे ही मिल जाएगा तुम लोगों को अगर किस्मत में होगा तो नंबर सीज से बच्चे एक सवाल आता है किससे आएगा बच्चे प्रैक्टिस से आएगा कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता सिर्फ अप्रोच बता सकता है अप्रोच सीखने है तो यहां आ जाना उसके बाद लगातार प्रैक्टिस सेट किसी भी किताब से बनाओ जो आपका मन गए डिस्टेंस डायरेक्शन सवाल आता है बच्चे मैथमेटिकल ऑपरेशन सवाल आता है नंबर रैंकिंग से सवाल पक्का आता है आप लोग जानते हैं ठीक है सीक्वेंस से भी सवाल पूछ लेता है बच्चे और कैलेंडर से भी कभी कभी क्या बच्चे सवाल आता है एनालोजी से सवाल आता है तो ये क्या बच्चे फिक्स टॉपिक है यार यहां से सवाल हर बार आता है हर बार यही वीडियो बनाता हूं मैं हर बार बच्चे देखते हैं जो बच्चा सीरियस लेता है वो बच्चा पास भी हो जाता है मैंने बहुत सारे वीडियो वैसे भी डाल रखे हैं वहां पर जो पढ़ के पास हुए हैं तो आप लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं आप लोग पता नहीं क्यों पीछे रह जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग सवाल पक्का है है वन आउट सवाल पक्का बच्चे ध्यान रखना टॉलेस से सवाल आता है डिक्शनरी वर्ड से क्या एक सवाल पका तो ये सवाल कैसे आप तुम खुद देखो ये टॉपिक कैसे बच्चों दिमाग खोलो अपना यार क्या ये सब ये सब प्रैक्टिस गेम है जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा घर बैठ के बिना पैसा लगाए भी क्या बच्चे वाई ग्रुप में जॉब वेट कर रही है आपका लेकिन क्या चाहिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है बिना प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं हो पाएगा ये जो तुम सिंबल देख रहे हो ये कब मिलेगा वर्दी कब मिलेगी जब आप पढ़ोगे अदरवाइज कुछ नहीं होगा और हमारा अगर स्टडी मेटी लेना हो तो यहाँ पर व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं बहुत सारे लोग घर तक पहुँचाएंगे यार चिंता मत करना एनालोगी सवाल आता है बच्चे नॉन ऑल बच्चे बहुत सारे लोग फिगर बेस वाले सवाल आते हैं अब फिगर वाले में क्या करना पड़ता है बच्चे आपको देखो एंगल कितने में शिफ्ट हो रहा है उसकी शिफ्टिंग डिस्प्लेसमेंट कहां चल रही है पहले को छोड़कर तीसरे पे जा रहा है पांचवे पे जा रहा है ऐसे देखो उसका क्लोकवाइज चल रहा है बच्चे या फिर एंटी क्लोक चल रहा है इन सब बातों को देखोगे तभी तो कुछ काम बनेगा अदरवाइज कैसे काम बनेगा और वही बात जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं काम बनेगा कैसे यूनिफॉर्म कैसे मिलेगी पजल से भी क्या कभी कभी सवाल पूछ लेता है सारे के सारे घिसे पिटे टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है वो है भाई कंटिन्यू मेहनत कंटिन्यू प्रैक्टिस दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है मान के चलना अब थर्टी नंबर का तो मैंने आप लोगों को बता दिया यहां पर क्या बच्चे थर्टी नंबर का तो क्या मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया थर्टी मार्क्स का बच्चे राग आएगा ठीक है तीनों पोर्शन है पहले का नाम मैथ है दूसरे का नाम रीजनिंग है और तीसरे का नाम यहां पर क्या भाई? है भाई जीके है कोई सोल्यूशन नहीं है 25 प्लस नंबर पॉसिबल हैं ध्यान रखना पॉसिबल वो भी मेहनत से वो कैसे पॉसिबल है वो है बच्चे रेगुलर कंटिन्यूटी जो बनाएगा ना जिसका कंटिन्यूटी रहेगा उसका तो काम बनेगा वरना फिर तो गई भैंस पानी में ध्यान रखना कभी पास ही नहीं हो पाओगे यार पहले बता रहा हूं बहुत सारे लोग आते हैं गुरु ये कर देंगे गुरु वो कर देंगे लास्ट में होता क्या है गंदा मुंह बना के वो लोग फेल होकर चले जाते हैं और फेल होने का रीजन क्या है ये नहीं है ये नहीं आज तो आएंगे कल क्लास में नहीं आएंगे परसों आएंगे पर ले दिन फिर क्लास में नहीं आएंगे और मैं तो दो महीने मांग रहा हूं भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दो महीने दे दो जो तुम्हारा वर्दी का सपना है वो हम पूरा करेंगे वीडियो को शेयर मारते रहो फ्री में क्लास लेते रहो इससे बड़ा तुमको और क्या चाहिए जहां पर तुम पैंतीस पैंतीस चालीस चालीस हजार रुपए दे रहे थे आज तुमको फ्री में क्लास मिल रही है और कोई पैसा थोड़ी चार्ज कर रहा हूं यूट्यूब पर ठीक है भाई अब तुम कहोगे सर इंग्लिश सबसे बड़ी समस्या है मैं बोलता हूं इंग्लिश में तुम्हें ग्रामर क्यों तुम्हें कोई इंग्लिश में लिटरेचर में तुम्हें कोई पीएचडी वगैरह करनी है क्या जुगाड़ बनाना सीखो भाई यहां पर क्या बनाना है अपने को अपने को बनाना है सिर्फ जुगाड़ वो जुगाड़ कैसे बनेगा वो जुगाड़ बनेगा रेगुलर वर्कआउट से किससे बनेगा भाई वो जुगाड़ वो जुगाड़ रेगुलर वर्कआउट से बनेगा ध्यान रखना पैसेज बच्चे फ्री के मार्क्स है पैसेज को नहीं छोड़ना भाई फ्री मार्क्स तसल्ली से बैठ के पढ़ो आप लोग टाइम बहुत कम है फोर्टी मिनट आपके पास होते हैं अलग अलग दोनों सेक्शन के अलग अलग टाइम है इसलिए रुकना नहीं है गेम ओवर करके मानना है बच्चे क्या करना है यहां पर गेम ओवर करना वॉकैबरी बच्चे अब बच्चे आपके आप आप आते हैं स्पेलिंग क्यों नहीं पढ़ते तुम यार, में किसने कहा हर एक टॉपिक पढ़ो भाई एडजेक्टिव भी है बहुत सारे कंजक्शन भी इतना सारा तो लोग यार अफसर बन जाएंगे हमको बनना बेटा एयरमैन सिर्फ ध्यान रखना इस बात को दिमाग में बिठा लो कि पेपर का लेवल जैसा है वैसा पढ़ो ज्यादा हाई लेवल पढ़ोगे फिर क्या फायदा टीचर के तो नंबर बन जाएंगे लेकिन रिजल्ट तुम्हारा कुछ नहीं आएगा फिर बेनिफिट क्या है उससे अब देखो और मैं आपके लिए डेली वकैब क्लास लेके आऊंगा अब तुमको अगर सब्जेक्ट वर्क पढ़े नरेशन पढ़े वॉइस पढ़े देखो मैं बोलता हूं नाउन का चैप्टर पढ़ो सबसे जरूरी ना चैप्टर है टेंस का चैप्टर पढ़ो भाई प्रेपोजिशन पढ़ो और एक पढ़ो कंडीशनल सेंटेंस एरर आपका बात बन जाएगा आपका यहां पर क्या एरर बात बन जाएगा कैसे ना कैसे करके वाई ग्रुप वाले बच्चों को ध्यान रखना है कि इंग्लिश का कट ऑफ क्लियर हो रागा कट ऑफ सबका क्लियर होता है लेकिन नंबर नहीं आते यहां पर क्या है कट ऑफ ही क्लियर नहीं होता इंग्लिश का खासकर यूपी बिहार राजस्थान वालों का तो हरियाणा वालों का तो बुरा हाल है कि गुरु मैथ कितना करवा लो बस लेकिन सारा इंग्लिश नहीं आता है जिस प्रकार एक्स ग्रुप में फिजिक्स के लिए समस्या है वहीं इस प्रकार यहां पर क्या बच्चे यहां पर वाई ग्रुप में इंग्लिश के लिए समस्या है बच्चे के रागा में मिलेंगे छब्बीस सताइस नंबर लेकिन यहां पे क्या कट ऑफ क्लियर नहीं होगी तो लॉस में जाएगा ना अल्टीमेट सिलेक्शन तो हुआ नहीं तो यहां पर टेंस नाउन प्रेपोजिशन यहां पर क्या पढ़ना है कंडीशन सेंटेंस जहां से आपके एरर पक्का आते हैं पक्का किसने कहा हर एक चैप्टर को पढ़ो भाई मत पढ़ो ना दिमाग लाए गेम खेलो प्रैक्टिस करो एंटोनियम सिनोनियम पैसेज हर चीज है तुम्हारे पास तो ये देखो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस एंड एरर इन द यूज ऑफ टेंसिस ध्यान रखना तो ये जो क्या है बच्चे ये सिंपल सिंपल अब देखो डिग्री के ऊपर भी सवाल आता तुम लोग जानते हो यार इसको भी क्या है बच्चे किताब को रिक्वायरमेंट नहीं किताब लेना चाहते तो नीतू मैडम का किताब फॉलो कर सकते हो नीतू सिंह का किताब फॉलो करो वहां से आपका काम चल जाएगा ध्यान रखना प्रेपोजिशन जरूर पढ़ो भाई नाउन प्रोनाउन पढ़ लो ज्यादा मत पढ़ना कभी सोचो कि मैं पूरा ही क्लियर कर दूंगा तो ज्यादा पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे अल्टीमेट क्या होगा फेल हो जाओगे क्योंकि टाइम ध्यान रखना वी हैव ओनली टू मंथ बच्चा ठीक है दो साल नहीं है दो महीने हैं मतलब दस दिन तो मानो चले गए फिफ्टी डेज बचे हैं। क्या बचे हैं बच्चे फिफ्टी डेज मैं आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल भी जल्दी यूट्यूब पर लेके आऊंगा कि किस किस टाइम टेबल में क्या क्या क्लास चलेगी क्या क्या स्लॉट आपके में होगा वो सारे काम मैं यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ ध्यान रखना मॉडल भी कभी कभी क्या भाई मोटे क्वेश्चन पूछ लेता है अब तुम बोलोगे सर लास्ट टाइम कट ऑफ का सबको पता होता है लेकिन जो आपको पास कराएंगे वो पास कराएगी भाई नीतू मैडम का किताब लेकर पढ़ना शुरू करो और मेरा क्लास ले लो अगर नीतू मैडम का किताब नहीं ले लो तो मेरा रेगुलर क्लास आएगा एंटोनियम सीरो का वन वर्ड का इडियम फ्रेजेस का उसको क्लास रन करो डेली तुम्हारा वहां से काम चल जाएगा लेकिन आओ तो सही पढ़ो तो सही तभी तो बात बनेगी तो ये सारे मैंने बातें आपको यहां पर बताई हैं, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा जो आपको एग्जाम में पास कराएगा तो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको एग्जाम में क्या करेंगे बच्चे हेल्प करेंगे इसीलिए मेरे बैच का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां पर आपको 10% का ऑफ कैसे मिलेगा वो बता दूंगा मेरे स्टडी मेटेरियल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा कैसे आपको कांटेक्ट करना है जैसे आप स्टडी मेटीरियल ऑर्डर कर सकते हो बहुत सारे बच्चों की डिमांड है स्टडी मेटेरियल बच्चे क्या मिलेंगे हाथों से लिखे हुए नोट्स मैथ के मिलेंगे बच्चे यहाँ पर ध्यान रखना रीजनिंग के दोनों पार्ट मिलेंगे डायग्राम वाले भी और जो टॉपिक हैं और वो भी दिए मिलेंगे आपको जीएस के दोनों मिलेंगे हिस्ट्री जो पॉलिटिक्स जो मेन तो होते हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा आपकी मर्जी आप हिंदी मीडियम ऑर्डर करो इंग्लिश मीडियम ऑर्डर करो आपको देखना बाकी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कराएंगे ठीक है जय हिंद